आप देख रहे हैं वेद संसार और दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे फेंगशुई टिप्स के बारे में, तो फ्लैट की कौन सी मंजिल होती है अशुभ। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारा अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले देख सके। दोस्तों घर वह स्थान होता है जहाँ हम सुकून की जिंदगी जीते हैं और जहाँ हम अपनों के संग खुशियों के पल संजोते हैं, जहाँ हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जीते चले जाते हैं। इन दिनों घर सिर्फ बंगला नहीं होता बल्कि लोग अब घर को मॉडर्न लुक में तब्दील करने के लिए फ्लैटों में भी रहते हैं। जहां कुछ लोग फ्लैट में मालिक के तौर पर रहते हैं तो वहीं कुछ किराए पर। आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए छोटे छोटे जगहों से आए स्टूडेंट भी बड़े शहरों में फ्लैट में ही रहना पसंद करते हैं। घर या फ्लैट हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है, इसलिए कभी इन्हें खरीदने के लिए हड़बड़ी नहीं करनी, क्योंकि हड़बड़ में किया हुआ काम अक्सर गड़बड़ हो जाता है। दोस्तों आज वेद संसार आपको बताने जा रहा है फेंगशुई में फ्लैट की कौन सी मंजिल होती है अशुभ। दोस्तों इस जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो ये बात करते हैं फेंगशुई के बारे में। फेंगशुई के अनुसार फ्लैट की सबसे ऊपरी मंजिल अशुभ होती है, क्योंकि ऊपरी मंजिल के ऊपर ही पानी संग्रह करने वाली टंकी होती है जो कि बहुत ही अशुभ मानी जाती है। ध्यान रहे कि अगर आपके मनपसंद के फ्लैट में भी ऐसा होता है तो उस फ्लैट को खरीदने या फिर उसमें रहने का ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए। बता दें कि फ्लैट के ऊपर रखी टंकी आपके घर में दोष उत्पन्न करती है और यह दोष वहां रह रहे लोगों को भी जरूर से लगता है जो कि हानि पहुंचाता है। वहीं अगर आपके बेडरूम के ठीक ऊपरी हिस्से में पानी की टंकी रखी है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। जान ले कि यह आपके व आपके परिवार के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। यही नहीं फेंगशुई की माने तो ऐसी स्थिति को बहुत ही खतरनाक माना जाता है और ऐसे में फ्लैट में रहने वाले लोगों को धन हानि होने के साथ साथ कई शारीरिक रूप से भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों घर व फ्लैट खरीदना हर किसी का सपना होता है, लेकिन क्या हो अगर यह सपना ही आपकी जिंदगी को बर्बाद करने में जुट जाए। ऐसे में जरूरी है कि आप जब भी कोई फ्लैट खरीदे तो उससे पहले घर का वास्तु जान लें ताकि यह आने वाले समय में यह घर आपके लिए शुभ साबित हो और ना कि अशुभ। दोस्तों यह थे फेंगशुई के बारे में कि फ्लैट की कौन सी मंजिल होती है अशुभ। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद नहीं आया तो कृपया आप हमारी गलतियां हमें जरूर बताइए। हम जल्दी लौटेंगे एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।